जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल ही व्यापम के द्वारा एक मंडे इच्छा का एग्जाम लिया गया है, जो काफ़ी समय बाद व्यापम के द्वारा कोई एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी अच्छे थे और ठीक ठाक लेवल का था। तो उसमें अभी हम लोग मंडे इच्छा का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो आने वाले जो समय है, उसमें भी 3 से 4 व्यापम के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास जो सेट है वो सेट नंबर सी है, और यहाँ पे आप सभी लोग बता दूँ, सेट नंबर सी है मेरे पास, और यहाँ पर 21वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि मैथ्स का पहला क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन नंबर 21वां से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 से। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 100 मीटर दौड़ को दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 11.25 सेकंड और 12.5 सेकंड में पूर्ण करते। ए जो है वो 11.25 सेकंड में कंप्लीट करता है और जो बी है वो 12.5 सेकंड में कंप्लीट करता है। यदि वो दोनों एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तो बी लक्ष्य से कितने पीछे था जब 100 मीटर की दौड़ ए पूरा कर लेता है। कहने का मतलब यह है, ए ने 100 मीटर की दौड़ पूरी कर चुकी है, मतलब उसने 11.25 सेकंड का समय ले चुका है, और बी उससे कितना दूरी था। तो आप बी की चाल निकाल लीजिए, बी की चाल आपको निकालनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में। 100 से आप 12.5 को डिवाइड कर दीजिए और ये डबल करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये कम से कम 8 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है, 8 मीटर पर सेकंड किसी चाल निकाला, मैंने बी की चाल निकाला है। अब जब ये कंप्लीट कर चुका है ए रेस, तो कितना सेकंड पीछे उससे आप ये देख लीजिए, 1.25 सेकंड पीछे, मतलब ये दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो बस इतना सेकंड पीछे है और इसकी इतनी चाल है। तो 8 मीटर पर सेकंड में 1.25 को आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या है आपका, ये है स्पीड है और ये क्या है समय है। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकल जाएगा, तो 8 × 5 = 40, यहाँ पे 4 जाएगा, 8 × 16 = 4 = 20, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जाएगा, 8 × 1 = 8 और 2 = 10। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो इतना सेकंड ही क्या है, 10 मीटर ही जो है वो पीछे है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो लोग इसको समझ पाएंगे, यहाँ पे ए की स्पीड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए तो 11.25 सेकंड में पूरा कर चुका रहेगा। लेट कौन हो रहा है, बी लेट हो रहा है, कितना सेकंड लेट हो रहा है, 1.25 सेकंड लेट हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, इतने सेकंड लेट हो रहा है, तो कितना दूरी ट्रेवल करेगा इतने ही सेकंड में कि वो 10 मीटर पीछे रहेगा या 10 मीटर की दूरी वो ट्रेवल कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे इस सेट में। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। चूंकि वो एक ही दिशा में जा रही है, इसलिए जो स्पीड है वो माइनस होता है, तो 46 - 36 क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। और दो समान लंबाई की ट्रेन है, इसलिए एक डिस्टेंस d1 हो जाएगी, मतलब d ले लीजिए, और दूसरे का डिस्टेंस भी d लेना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि लंबाई हमेशा जुड़ती है ट्रेन को आगे पीछे करने में, और इनको पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d + d 2d हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 10 × 5/18, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका है, और यहाँ पर 36 सेकंड लगते हैं। तो 18 × 36, और ये क्या हो जाएगा, 100 मीटर क्या है, दोनों ट्रेनों की लंबाई मिला करके 2d है, ठीक है। तो एक ट्रेन की लंबाई d का मान कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ट्रेन के टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हुए हैं, मैं भी थोड़ा समय के लिए इसमें कन्फ्यूज हो गया था। एक व्यक्ति 3000 रुपये 3 वर्ष के लिए लेने पर 3540 रुपये ब्याज देता है, ठीक है, 3000 रुपये है वो उधार लिया है, कितने वर्ष के लिए लिया है, 3 वर्ष के लिए लिया है, और ब्याज कितना देता है, 3540 रुपये, मतलब इसमें ब्याज उसने कितना दिया है, तो मूलधन था 3000 रुपये, केवल 540 रुपया ब्याज दिया है। क्योंकि 3 वर्ष के था तो प्रत्येक वर्ष उसने कितनी ब्याज दी है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ब्याज कितना दिया, 3 × 3, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 × 3 = 24, 3 × 0 = 0, मतलब वो एक साल में 180 रुपये ही ब्याज दिया हुआ है। दूसरा देखिए, यहाँ पे 6000 रुपये 2 वर्ष के लेता है, 6000 रुपये 2 वर्ष के लिए लेता है, तो उसने लौटाता कितना है, 6720 रुपये, 6720 रुपये लौटाता है। चूंकि 720 रुपये ही उसने एक्स्ट्रा ब्याज दिया हुआ है, तो इसको 2 से आप लोग डिवाइड कर, क्योंकि 2 वर्ष के लिए था, तो पर ईयर वो कितना रुपये लौटाता है, 2 × 3 = 6, एक बच जाएगा तो 6 × 12, 360 रुपये क्या करता है वो, हर साल वो लौटाता है। एक लास्ट में एक और दिया हुआ है कि 5000 रुपये 5 वर्ष के लेता है, 5000 रुपये जो है वो कितने वर्ष के लेता है, 5 वर्ष के लिए लेता है, और वापस कितना करता है, 6500 रुपये वापस करता है उसको, मतलब ब्याज कितना दिया, 5000 तो उसने लिया था, केवल 1500 रुपये ही ब्याज दिया है उसने, और चूंकि ये 5 वर्ष के लिए था इसलिए पर ईयर उसने 5500 रुपये 5 वर्ष के लिए था तो
5 × 3 = 1500, 300 रुपए ही ब्याज देता है। अब आपको बताना था ये जो ब्याज भी आपको दिख रही है, यहाँ पे वर्ष भी दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, और ये क्या है, ब्याज लिखा हूं मैंने, ब्याज लिखा हुआ है मैंने। तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार की ब्याज लग रही है, साधारण ब्याज लग रही है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। तो यहाँ दोस्तों आप लोग को देखने के समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक वर्ष में समान समान उसने ब्याज दी है, समान समान ब्याज दिया हुआ है। मतलब कैसे समान ब्याज दिया है, मैं बताता हूँ आप लोग को। 5000 रुपए लेने पर वो 1500 रुपए चुकाता है, 5000 रुपए लेने पर 1500 रुपए वो चुका रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए कि एक साल में 300 रुपए चुकाता है, तो 5000 रुपए का एक्स परसेंट निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 300 रुपए आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6%, एक्स की वैल्यू 6%। तो उस प्रकार अगर आप इसका 6% निकाल लीजिए, इसका 6% कितना आएगा, 300 रुपए, 5 साल चल देंगे तो आपको 1500 रुपए देना पड़ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ भी 6% का ही ब्याज पहले साल लग रहा है, दूसरे साल भी 6% का ही ब्याज लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 6% निकालेंगे 3000 का, तो 180 रुपए देगा, अगले साल भी 6% 180 रुपए देगा, इस प्रकार से 180 रुपए देंगे। तो मेरे हिसाब से ये साधारण ब्याज होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसका आंसर मैं साधारण ब्याज ही टिक करके आया हूँ। उसमें देखना पड़ेगा इस पर क्या आंसर लेता है व्यापम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक में बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं। 9/2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1/1/3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 − 1/4 का स्क्वायर, ये डैश 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 कहाँ तक गया था, 1 − 1/19 का स्क्वायर कॉमा करके 1 − 1/20 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करके भी बना सकते हैं, ये आगे पीछे कटते हुए जाता है, लास्ट में कुछ ना कुछ क्वांटिटी बढ़ जाती है, बन जाती है। तो अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ, मैंने अपने क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ था, जो लोग मेरे क्लास में अटेंड किए हैं वो सब समझ जाएंगे, इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन करवाए हुए थे। इसका एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है कि ये कहां तक जा रहा है, ये एन होता है एक्चुअली, 20 तक जा रहा है या 50 तक भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है, कहां तक आप लोग कैंसिल करेंगे। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे बता देता हूं, n+1/2n इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। जो n का वैल्यू क्या होती है, जो लास्ट में जो डिजिट होती है इसकी, n की वैल्यू होती है। तो कहां तक गया हमारा, 20 तक गया, तो 20 + 1 हो जाएगा यहां पे 21, और यहां पे 2n मतलब 40। तो आपका जो आंसर था वो 21/40 था, क्योंकि ऑप्शन में 21/40 कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं यहां पे साइड में बता देता हूं, नीचे जगह कम हो रही है, तो 21/40 को सिर्फ भाग कर देना था तो आपका आंसर निकल जाता। तो यहां से देखो भाग जा रहा है कि नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा लेंगे आप, अपने आप यहां पे शून्य बढ़ा लीजिए, तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 200 हो जाएगा, और यहां से 10 बच जाएगा। फिर चूंकि दशमलव लगा, एक शून्य और बढ़ा लीजिए, 4 × 2 = 8 मतलब 80 हो जाएगा, यहां पे 20 बचेगा, फिर एक शून्य बढ़ा लेंगे तो 200 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, 0.525, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्योंकि इसको सॉल्व करने में लंबा समय लगे, बताइए आप लोग इसको चाहे हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो सिर्फ इसी को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला आप समझ जाएंगे n+1/2n, तो ये पूरा इस प्रकार के 20 तक जाए, 50 तक जाए, 60 तक जाए, कहीं तक भी जाए, आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ 25वां नंबर का क्वेश्चन है मेरे सेट में, सेट नंबर सी है, जैसे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर लिखा है कि 12 के दुगुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है, 12 के दो मल्टीपल हैं जिनका एलसीएम आपको दिया गया है 1056, इनमें से एक संख्या दी गई है आपको 132 दिया गया है, और दूसरी संख्या क्या होगी। चूंकि दोस्तों इसको लोग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखिए 12, 72, 96, 84 आपको दिया, 12, 72 और 96, 84। क्योंकि 12 के पहाड़ देखो, एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये जो है 132, ये फर्स्ट नंबर आपको दे दिया गया है फर्स्ट नंबर, तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि 132 तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, प्लस इनमें से कोई एक संख्या ऐसी होगी जो इसको डिवाइड करेगी ही करेगी, कन्फर्म है। 12 को मैं नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 12 और 32 को आप देखोगे कि 12 32 को तो ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, मतलब 12 के पहाड़े में 11 बार करोगे तो 32 है, तो 12 और 132 का एलसीएम ही क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा, तो ये 12 तो ऑलरेडी आपके ऑप्शन से कैंसिल हो चुका, कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरी की बात करोगे, मैं 84 यहां से नीचे से स्टार्ट कर लेता हूं, 84 के अंदर क्या चुका है, हुआ है 12 और 7 छुपा हुआ है, 12 × 7 = 84, और 12 के अंदर भी क्या छुपा हुआ है, 3 और 4, जो मेरे से एलसीएम ऐसे पड़ा हुआ है, ये डिविजिबिलिटी रूल से सभी एलसीएम में क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो 3 और 4 का 6, 5, 11 और 1, 12 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग भी इसमें चला जाएगा, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट हैं वो भी 4 से डिविजिबल हैं। 7 से भाग देकर देखिए इसको, 7 × 1 = 7, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 7 × 5 = 35, 6 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो मतलब ये जो आपको ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी आपको सेटिस्फाइड
नहीं कर रहा है। 72 को मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, 72 के अंदर क्या छुपा हुआ, 12 पंच 60, 12 छक्के 72, ये 12 और 6 तो नहीं होगा, और 8 नियम 72, 8 और 9 ले सकते हैं। तो 9 के देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्याओं का योग 9 से भाग जाना चाहिए, 6 5 11 और 1 12, ये 9 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 72 भी आपका आंसर नहीं हो सकता, इसलिए 96 आपका आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96। मैं कैसे बता रहा हूँ, ये जो लोग मेरे से क्लास में पढ़े हुए हैं मैथ्स को, वो लोग जान चुके हैं, ठीक है। 96 मैं डिविजिबिलिटी रूल लगा करके चेक कर रहा हूँ कि 1056 को इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 12 डिवाइड करेगा लेकिन एलसीएम छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, इसका डिविजिबिलिटी रूल लगा के मैंने चेक कर लिया है। तो आप चाहें तो 132 और 96 का एलसीएम निकाल के देखिएगा, आपको एलसीएम इतना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा, एक्स की वैल्यू दी हुई थी आपको √3/2, ये काफी लेंदी क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो सबसे लास्ट में इनको अटेम्प्ट करना चाहिए। √√1 + x + √1 - x होल डिवाइड में था √1 + x - √1 - x। क्योंकि इस प्रकार के जब भी आएंगे, नीचे हमको अंडर रूट नहीं रखना होता है, इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करना पड़ता है, तो परिमेयकरण करने के लिए इसका साइन चेंज करके आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो ये क्वेश्चन था, इसमें मैं इसी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई साइन चेंज करना पड़ेगा इसको, ये क्या हो जाएगा, √1 + x + √1 - x ऐसा करने से क्या होता है, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी का फॉर्मेट बन जाता है, और क्या हो जाता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो नीचे में क्या बचेगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 प्लस x, a स्क्वायर हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में 1 माइनस x। ऊपर में देखिए ये दोनों को सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इससे, तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स प्लस 2 ए बी मतलब √1 + x और मल्टीप्लाइड में क्या रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब इसको देखिए, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 और होल अंडर रूट लेता हूं मैं, 1 प्लस एक्स कॉमा 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको आप माइनस आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से फॉर्मेट मिल गया, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x बच जाएगा साथ में, तो यहाँ से 2 2 सभी में कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू थी उसको आप लोग √3/2 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर करूँगा, √3 से कैंसिल हो जाएगा, √3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में √3/2। इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, 1 प्लस यहाँ पे 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो बाहर निकालेंगे 1/2, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, √3/2 बचेगा। ऊपर भी आप एलसीएम ले लोगे तो 2 + 1 = 3/2 बचेगा, और उसको मल्टीप्लाई करो 2/√3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 बचेगा। और ऑप्शन में आपको किस प्रकार से दिया हुआ, ऑप्शन में √3 प्रकार से दिया हुआ है, तो 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर √3 आ जाएगा, तो √3 + √3 कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा लास्ट में सॉल्व करना अच्छा होता है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, 25 के बाद 27 आ गए, 26-27 हो गए, 26-27। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L और M समांतर दो रेखाएं हैं, ये अपन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस प्रकार से काट देता है, इसका नाम है एंगल 2 और इसका नाम है 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और ये है एंगल 1। आपको निकालना क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालना है, चूंकि दोस्तों ये पूरा लाइन है, ये समांतर लाइन है, तो ये एंगल जो है और ये एंगल बराबर होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, तो ये समानांतर लाइन है, ये पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, एंगल 1 का मान कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 इसका मान कितना आ जाएगा, 150, ये 150 है तो ऊपर वाला भी 150 होगा,
और 180 है, 150 है, तो ये अपने आप 30 हो जाएगा। तब क्या क्वेश्चन है, 150 मतलब एंगल 1 हो गया प्लस एंगल 2 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देना था तो कुल मिलाकर के 180 हो जाएगा। यही आपका आंसर था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा इस प्रकार है, 5x-10, और समानांतर चतुर्भुज में x का मान निकालने के लिए दिया गया। समानांतर चतुर्भुज की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए 5x-10 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, सामने वाले एंगल के बराबर, 2x+110 के बराबर हो जाएगा, 2x+110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालना था, x इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा, और उधर क्या बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान आपको निकल जाएगा 40 डिग्री निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक सर्कल ऐसा बना दिया गया है, यहाँ पे आप क्वेश्चन तो देख पा रहे होंगे, और एक ये ऐसे डाल दिया गया है, उसके बाद यहाँ से एक त्रिभुज बना करके इसको ऐसे निकाला गया है, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज बना करके ऐसे करके ऐसे निकाला गया है। इसका मान दिया गया था आपको कितना, 120, क्योंकि यहीं पर ओ लिखा गया है, तो मतलब ये जो अंदर वाला जो कोण होता है जो केंद्र से बनता है, ये दोनों जो कोण है जो सेम जगह से बनते हैं तो इसकी योग के बराबर होते हैं, मतलब इसका योग के बराबर नहीं तो ये आधे आधे होते हैं, तो ये 60 हो जाता है और ये 60 हो जाता है। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, ये एंगल प्लस ये एंगल का आपको मान निकालना था, तो 60+60 ये हो जाता है 120 डिग्री, तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। एक और देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे पूछा गया था x^4 + 4 का आपको क्या करना था, इनमें से किसके बराबर होगा। चूंकि आप लोग को इसका मान नहीं मालूम था तो आप लोग क्या कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करके भी देखते तो हो जाता, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई, देखिए मैं ऑप्शन नंबर सी को डायरेक्ट पिक कर लेता हूँ क्योंकि यही इसका आंसर है। सी में क्या लिखा गया है, x² + 2 + 2x, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है x² + 2 - 2x। तो क्या ये सही है, क्या ये इसके बराबर है, इस प्रकार से फैक्टराइज किया जा सकता है, क्योंकि इसको दो फॉर्मूले लगा के फैक्टराइज किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन से बहुत जल्दी पिक हो जाते हैं, ऊपर वालों को भी चाहे तो आप तोड़ तोड़ के देख सकते हैं। मैं इसको आपको दिखाता हूं, x² का मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा तो ये हो जाएगा x^4, फिर x² का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो प्लस हो जाएगा 2x², ठीक है, फिर x² का मल्टीप्लाई -2x³ में हो जाएगा, अब x² का मल्टीप्लाई, अब 2 का मल्टीप्लाई होगा +2x² + 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -2×4x, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x बचा, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, +2x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ हो जाएगा, +4x हो जाएगा, ये -4x² हो जाएगा। तो क्या ये इसके बराबर है, क्या ये जो फैक्टर है इसके बराबर अगर आ गया तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए +2x² है, यहाँ भी +2x² है, और यहाँ -4x है, यहाँ +4x, -4x + 4x अपने आप कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे -2x³ + 2x³ है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा, x^4 + 2x² + 4x² बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, +4 ही बचा हुआ है, एक -4x² बचा हुआ, तो ये भी अपने आप में कैंसिल हो गया, तो x² + 4, तो यस, ये जो सी ऑप्शन था उसको इस प्रकार से फैक्टराइज किया जा सकता है। तो ये जो सी ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर, इसमें दो फॉर्मूले लगा करके भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन फैक्टर ऑप्शन से मिल जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी मैं 10 क्वेश्चन करा दिए हैं और आगे के भी पार्ट भी इसमें डालूंगा, अगर वीडियो आप लोग को पसंद करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमारे संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ पे SSC रेलवे ग्रुप डी और NTPC का जो फेज 2 है और छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारियां करवाई जाती हैं, और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, यहां पे कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और वीकली टेस्ट आपका अरेंज किया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जो दुर्ग भिलाई के छात्र हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं, और बहुत ही कम फीस में यहाँ पर कम्प्लीट सिलेबस के साथ तैयारी करवाई जाती है। हमारा संस्थान कृष्णा टॉकीज रोड पर रिसाली भिलाई पर ये आपको मिल जाएगा।